ओम शांति। 17 अगस्त, बहुत नशे की मुरली है, डीप रियलाइज कराने वाली मुरली है। तुम बच्चे मुझे मिलने के लिए यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ सब करते आए, कोई भी मेरे को मिल नहीं पाया क्योंकि कोई मुझे जानता ही नहीं था। कोई भगवान को सर्वव्यापी कह रहा, कोई अनेकों को भगवान कह रहा, कितने भगवान हो गए, जबकि तुम जानते हो किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। अब मैं तुम्हारे कितने समीप आ गया हूँ। बहुत अच्छी बात है बाबा की है, तुम मेरे सम्मुख बैठे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और कहता हूँ तुम मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, तो तुम्हारी कमाई ही कमाई है, तंदुरुस्ती ही तंदुरुस्ती है। तुम्हारी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी बीमार नहीं होगे लंबे काल तक, तो तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। हम भगवान के बच्चे बन गए हैं, तो उसके वर्षे के अधिकारी हो गए हैं। बहुत बाबा रियलाइज करा रहे हैं, तो मेरे बच्चे हो, तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तो मैं अपार खुशी हो। बाबा हमारे लिए स्वर्ग रच रहे हैं, सबसे बड़ा वंडर है वो। जैसे यहाँ 7 वंडर हैं, उस जैसा वंडर तो कोई होता ही नहीं, जहाँ अपार सुख है, तुम मनुष्य देवता हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, स्वर्णिम दुनिया है, प्रकृति भी अति सुंदर है, सतो प्रधान है। तुम भक्ति में सत्संग करते आए, मनुष्यों के द्वारा सत्संग करते आए, मनुष्यों के द्वारा कथाएं और शास्त्र सुनते आए। अब तुम रूहों का मुझ रूहानी बाप से सत्संग हुआ है, केवल एक बार होता है ये सत्संग, जब तुम मेरे से सुनते हो, जब मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, तुम्हें पावन बनाने आता हूँ, तुम्हारी परवरिश करने आता हूँ, तुम्हारी केयर करने आता हूँ। बहुत प्यारी बात कही बाबा ने, मैं आता हूँ, तुम बच्चों की कितनी इज्जत करता हूँ। विचार करेंगे, भगवान जिनकी इज्जत करे वो कितने महान होंगे। हम भी अपने बाप की बहुत इज्जत करते आए, इले द्वापुर से उसके मंदिर बनाकर याद करते आए, प्यार करते आए, पूजा करते आए। बाबा कहते तुम मेरी परवरिश में चल रहे हो, मैं केवल एक बार आता हूँ, संगम युग पर आता हूँ। उन्होंने तो कह दिया युगे युगे आता हूँ। अच्छा, युग युग भी आता होता तो 4-5 युग हैं, 4-5 बार आता, उन्होंने कह दिया 24 अवतार लेते हैं, तो कहीं बात बनती नहीं। मैं केवल संगम पर आता हूँ, संगम ही कल्याणकारी युग है। सतयुग को भी कल्याणकारी युग नहीं कहेंगे, वहां किसी का कोई कल्याण नहीं करता। कलयुग के अंत में आकर मैं ही तुम सबका कल्याण करता हूँ, इसलिए महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। ये दुखों की दुनिया, ये रावण राज समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे लिए सुखों की दुनिया आ जाएगी। तुम मेरी परवरिश में पल रहे हो। बहुत गहरी बात अब आ रही है। जो बच्चे समर्पित हो जाते हैं वो भोलेनाथ के भंडारे से ब्रह्मा भोजन ही खाते, उनकी परवरिश मेरे भंडारे से होती है। लेकिन जो ग्रस्त में रहते भी ट्रस्टी बनकर रहते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, मन से कहते हैं मेरा सब कुछ बाबा आपका है, वो भी ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं और भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही बाबा ने। तो तुम समर्पित हो रहे हो, कोई युगल भी समर्पित हो जाता है, फिर उसकी परवरिश बाबा के भंडारे से होती है। तो बहुत ही सुंदर बात है, हम सब भगवान के भंडारे से भोजन कर रहे हैं। और बहुत सुंदर शब्द हैं बाबा के, भोलेनाथ के भंडारे से ब्रह्मा भोजन खाने से हृदय शुद्ध हो जाता है। सभी अपने घरों में भी इस तरह की व्यवस्था करें कि आपका घर का भोजन भी ब्रह्मा भोजन हो जाए, आप श्रीमत पे चलते रहें,
पैसा आदि कोई ऐसे वैसे खर्च नहीं करेंगे बिना श्रीमत के, तो भोलानाथ का भंडारा हो गया आपका घर भी, वो भरपूर भी रहेगा और आप ब्रह्मा भोजन भी खाएंगे, हृदय शुद्ध भी होता जाएगा। तुम अब ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हारा रूहानी संप्रदाय है, तुम भगवान के परिवार बन गए हो, ऐसा कल्प कल्प होता रहेगा। ये दादा जोहरी होगा, मैं इसके तन में आऊंगा, तुम मेरे सम्मुख होगे, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, ज्ञान का सागर मैं ही हूँ, मैं ही आकर इस संसार में रोशनी करता हूँ, जब तक मैं ना आऊं संसार में रोशनी हो नहीं सकती, ज्ञान की रोशनी। अब मैं तुम्हें सम्मुख ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, भगवान हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हम राज करेंगे स्वर्ग में चलकर। तो आज हम सभी खुशी की इन बातों पर चिंतन रखेंगे, कौन सामने बैठा है, क्या मिलने वाला है, किसकी परवरिश में हम पल रहे हैं, और गहराई से चिंतन करके मेरा सब कुछ तेरा है, भक्ति में तो केवल कहते आए। अब इसका अर्थ यह है कि हमने मन से सब कुछ अर्पित कर दिया और फिर जो बाबा कहे वैसा हम करेंगे, इसको कहते हैं ट्रस्टीशिप। हम ट्रस्टी हो गए, भगवान को सब कुछ दे दिया, तो हम ब्रह्मा भोजन खाएंगे। इस पे गहराई से चिंतन करना है और रोज रोज इस संकल्प को अपने अंदर रिवाइज भी करना है, मेरा सब कुछ तेरा है, ये घर, ये धंधा, ये परिवार, सब कुछ तेरा है। तो आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे, परमात्म पर वरिष में जीवन पलता रहेगा, और जिसको भगवान पालता हो, जिसको भगवान खिलाता हो, वो सदा तंदुरुस्त भी रहेंगे और हाईएस्ट कमाई भी करते रहेंगे। वरदान है विस्तार की रंग बिरंगी बातों को छोटा करके, समाप्त करके सहज योगी भाव। बहुत सारी बातें हैं संसार में उल्टी सुलटी, उनका विस्तार बहुत है, उसमें जाने से जो बीज बाप है वो भूल जाता है। ये बातें रंग बिरंगी हैं, आकर्षित भी बहुत करती हैं, लेकिन बुद्धि को बहुत भटकाती भी हैं। हमें तो बीज को याद रखना है, सुनी सुनाई बातों में नहीं जाना है, तब हम सहज योगी बन सकेंगे। स्लोगन, मैं और मेरापन, ये एलोए है, मिक्सचरिटी है, इसको समाप्त करने वाले ही रियल गोल्ड बनते हैं। तो आज का हमारा अभ्यास होगा, पांच स्वरूपों का हम अभ्यास करेंगे और शुरुआत यहां से करेंगे, हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, फिर आत्मिक स्वरूप, आदि देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप और फरिश्ता, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ इसको पहले करेंगे। मैं ईश्वरीय संप्रदाय में हूँ, भगवान ने आकर मुझे रोशनी दी है, हर घंटे में एक बार करें, जीवन आनंदित हो उठेगा। ओम शांति।